दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में कि किस तरह से सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, फ्री टू ट्राई सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, पेड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरा थोड़ा गला खराब है, इसी वजह से आवाज इतनी साफ नहीं है, तो उसके लिए मैं पहले से माफी चाहता हूं। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप देखते रहिए, इसमें अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा और ये अच्छा कंटेंट आपको देने के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूं। अब शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पे बात हो रही है सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं या फिर कहीं से खरीदते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह के होते हैं, एक होता है फ्री सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे एक और सॉफ्टवेयर फ्री के अंदर आ जाता है फ्री टू ट्राई, एक होता है कंप्लीटली फ्री सॉफ्टवेयर जो कि ओपन सोर्स होता है, और एक होता है फ्री टू ट्राई फॉर सम डेज, यानी कि कुछ दिन तक आप उसे फ्री में यूज कर सकते हैं और उसके बाद आपको उसकी लाइसेंस की जो है डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, ताकि आप उन्हें यूज करें, आप यूज टू हो जाए उन सॉफ्टवेयर को और बाद में उनको खरीद लें, आपको कुछ इस तरह का फीचर देते हैं कि आप 30 दिन तक उसे फ्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको उस सॉफ्टवेयर को खरीदना होता है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो कंप्लीटली फ्री होते हैं, हालांकि वो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होते हैं और कई बार उसमें बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं होते हैं। ऐसे में वो सॉफ्टवेयर आप हमेशा के लिए फ्री में यूज कर सकते हैं, तो वो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं और अनलिमिटेड टाइम के लिए वो फ्री हैं। इसी के साथ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी मिलेंगे आपको इंटरनेट पे जो कि आप डाउनलोड कर लेते हैं जो कि फ्री टू ट्राई हैं। तो ऐसे में मान लीजिए आपने कोई वीडियो एडिटर डाउनलोड कर लिया, तो वीडियो एडिटर के अंदर जब आप डाउनलोड करने के बाद, वीडियो एडिट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें छोटा सा वाटरमार्क आ जाता है और उसमें कई बार ऐसा होता है कि 5 मिनट तक का वीडियो अगर आपका होगा तो उसमें वाटरमार्क नहीं आएगा, आप फ्री में कर सकते हैं, वो भी 3 बार। और ऐसे में ऐसा भी होता है कई बार कि आप वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें वाटरमार्क आएगा, उस वाटरमार्क को अगर आपने निकालना है तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे अलग अलग मॉडल जो हैं कंपनी यूज़ करती हैं। अब यहाँ पे फ्री सॉफ्टवेयर जो है यूज़ करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर फ्री तब होता है जब किसी तरीके से वो लोग उसके जो है डेवलपमेंट का जो है पैसा निकालें। अब डेवलपमेंट का पैसा निकालने के लिए या तो वो ऐसा करते हैं कि उसे कुछ समय तक फ्री रख देते हैं, उसके बाद आप उसे खरीद सकते हैं, तो ऐसे में उनको पैसा बाद में मिल जाता है जो जो लोग उस सॉफ्टवेयर को खरीदेंगे। अगर वो सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना ही है तो आपको वो खरीदना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ अलग रास्ते भी हैं जैसे कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर, लेकिन वहाँ पे मैं अभी नहीं जाऊँगा। इसके अलावा फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं कहीं ऐसा भी सिनेरियो होता है कि अगर आपने फ्री सॉफ्टवेयर खरीद लिया तो उसमें कुछ एड्स आपको देखने को मिलेंगे। वो एड जो है पॉपअप एड जो है उसके थ्रू जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है या डेवलपर जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है वो पैसा जो है थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं और किसी तरह से अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बड़ी कंपनी के सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें या तो आपको एड वाला मॉडल नॉर्मली नहीं मिलता है, एड वाला मॉडल आपको मिलेगा ऐसे सॉफ्टवेयर में जो कि इंडिपेंडेंट डेवलपर्स ने बनाए हैं, जो कि आपके जैसे और मेरे जैसे ही लोग हैं जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर बनाया है ताकि सब लोग यूज़ करें, लेकिन ऐसे में उनको भी किसी तरीके से पैसे बनाने हैं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर शायद आप पेड होगा तो खरीदेंगे नहीं और फ्री होगा तो ट्राई करेंगे, लेकिन उस केस में डेवलपर को क्या मिलेगा? डेवलपर को डाउनलोड जब आपने सॉफ्टवेयर कर लिया, यूज़ करते रहे, तो डेवलपर को तो कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसे में उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए एडवेयर वगैरह जो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर भी होते हैं यहाँ पे जो कि थोड़े अनएथिकल तरीके से ऐसे ऐड डाल देते हैं, ऐसे प्रोग्राम डाल देते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर जिससे आपका ब्राउज़र का टूल बार चेंज हो जाता है, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र चेंज हो जाता है, आस्मी ब्राउज़र वगैरह डल जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है एक तरह का एक स्पैमिंग होती है जो कि इंटरनेट की तरफ से बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। तो ऐसे में अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो कभी भी फ्री सॉफ्टवेयर अगर आप डालें तो आँख बंद करके नेक्स्ट ना दबाएं, वहाँ पे आप पढ़ें कि क्या चीज़ आप एग्री कर रहे हैं, क्या चीज़ डिसएग्री कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एक फ्री सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन ऐसे आते हैं जिसमें वो पूछेगा आपसे कि क्या ये ब्राउज़र आप चेंज करना चाहते हैं, कि आपका ब्राउज़र अगर गूगल क्रोम है तो क्या आप उसे आस्क मी ब्राउजर करना चाहते हैं। आस्क मी ब्राउजर बाय डिफॉल्ट इनडायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है आपके पीसी पे जिसमें कुछ एड्स वगैरह रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं ब्राउजर के अंदर और एड ऑन्स वगैरह डल जाते हैं, गूगल क्रोम में कुछ एक्सटेंशन डल जाती हैं जो कि एड बेस्ड होती हैं। तो ये सब चीज़ों को आप बच सकते हैं इससे, क्योंकि जब भी आप नेक्स्ट करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ग्रे आइटम या कहीं ना कहीं कोई चेकबॉक्स होगा जिसको आपको अनचेक करना है ताकि आप इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा सकें। क्योंकि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि कभी ना कभी तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने एक सॉफ्टवेयर डाला और उसके बाद आपके ब्राउजर में या आपके पीसी में कुछ ऐसे प्रोग्राम आपको दिखने शुरू हो गए जो कि एक्चुअली में आपने कभी
इंस्टॉल करे नहीं है। तो ऐसे में ये सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए और बचने के लिए इनसे आपको नेक्स्ट नहीं करना है क्लिक कभी भी, जब भी आप कोई फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें बिना देखे बिना पढ़े। एक और चीज यहाँ पे जरूरी है कि पेड सॉफ्टवेयर यहाँ पे किस तरह से फर्क है फ्री सॉफ्टवेयर से। तो पेड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आपने एक बार पैसा दे दिया और उस सॉफ्टवेयर को खरीद लिया, उसका लाइसेंस खरीद लिया, तो उस केस में आप एक या दो पीसी या तीन पीसी पे आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद आपको उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो नए फीचर्स आ रहे हैं वो अपडेट्स भी आपको मिलते रहते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर में नॉर्मली आपको अपडेट जो है स्लो मिलते हैं या फिर मिलते ही नहीं है। तो यहाँ पे ये फर्क है फ्री और पेड में। पेड सॉफ्टवेयर में आपने एक बार पैसा दे दिया तो उसके बाद आपको अपडेट जो है मिल जाते हैं और कई बार ईमेल सपोर्ट भी मिल जाता है। तो मान लीजिए आपको सॉफ्टवेयर में कोई परेशानी आई तो आप ईमेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्री सॉफ्टवेयर में ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपको सपोर्ट जो है नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी सॉफ्टवेयर के बारे में जो आप अपने पीसी पे इंस्टॉल करते हैं या फिर अपने आईफोन या फिर अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे या किसी और फ़ोन पे भी इंस्टॉल करते हैं। तो एप्लीकेशन में भी कुछ इसी तरह से रहता है, जो फ्री एप्लीकेशन होती हैं उनमें किसी न किसी तरीके के एड्स रहते हैं जिससे वो रेवेन्यू जो है बनाते हैं। अगेन अगर आपको एड फ्री वर्जन एप्लीकेशन का डालना है तो आप पैसे दे दीजिए और आपको एड फ्री वर्जन उसी एप्लीकेशन का मिल जाएगा। तो ये भी चीज़ जो है एक तरह से एथिकल टेक्निक है जो कि करते हैं डेवलपर्स, लेकिन कई बार ऐसी एप्लीकेशन आपको मिलेंगी जो आप गूगल प्ले स्टोर से नहीं डालते हैं, एपीके के फॉर्म में डाल लेते हैं। किसी को फ़ोन दे दिया और उन्होंने कहा भाई आपके फ़ोन में गाने डाल देंगे, एप्लीकेशन डाल देंगे, तो कई बार वो पायरेटेड एप्लीकेशन जो होती हैं एपीके के फॉर्मेट में, वो एपीके के फॉर्मेट में अगर आप अननोन सोर्सेज से लोड कर रहे हैं तो कई बार उसमें पोटेंशियली वायरस हो सकता है। और वो वायरस है कुछ नहीं, वो बेसिकली आपके फ़ोन का डेटा चुराता है। उसमें कुछ एडिशनल प्रोग्राम्स रहते हैं जो एप्लीकेशन आपने डाली है उसके अलावा, जो प्रोग्राम आपके फ़ोन में आ जाते हैं और आपके फ़ोन के ऊपर जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं, उसके बेसिस पे आपको एड्स वगैरह देते हैं या आपके फ़ोन में ऐड खुलने शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है जिससे आपको पता चल जाता है कि भाई कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ठीक से फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करें, क्या फ़र्क है फ्री सॉफ्टवेयर में, क्या फ़र्क है पेड सॉफ्टवेयर में, क्या फ़र्क है फ्री टू ट्राई में, और किस तरह से एप्लीकेशन के अंदर ऐड होते हैं और कैसे आप उन ऐड से बच सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबाइए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और लोग इस वीडियो को देख सके, और साथ ही साथ हम एम करते हैं 1000 लाइक इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, तो जरूर लाइक बटन दबाइए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे दिया गया है, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल बटन को दबा के सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल को सिलेक्ट करने के बाद सेव बटन को दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।